हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम HTML एंटिटीज के बारे में जानेंगे। तो ये HTML का एक सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो जाके आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो यहाँ पर हम मेनली जानेंगे दो एंटिटीज के बारे में, सिम्बॉल एंटिटीज और कैरेक्टर एंटिटीज। तो पहले जानते हैं सिंबल एंटिटीज के बारे में। तो यहाँ पर हमें टोटल तीन तरह के सिंबल एंटिटीज देखने को मिलते हैं, मैथमेटिकल, टेक्निकल और करेंसी सिंबल्स। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे एंटिटीज का। पहले आपको कैरेक्टर दिखेगा, यानी कि जो सिंबल्स वगैरह है वो कैसे दिखते हैं नॉर्मली, वो आपको दिखेंगे। और उसके बाद आता है एंटिटी वाला पार्ट। एंटिटी में आपको उनको कैसे अपने कोड में यूज करना है, यानी कि आपको एम्परसेंट लिखकर इन सभी शॉर्ट कोड को लिखना पड़ेगा अपने HTML के कोड में, तभी जाके ये जो कैरेक्टर है वो आपको अपने वेब पेज में शो होंगे। और जो आखिरी का पार्ट है उसमें आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यानी कि हर एक जो कैरेक्टर है वो उसको किस नाम से बुलाया जाता है, उसका क्या पर्टिकुलर नेम है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे कि पहला जो कैरेक्टर है वो है फॉर ऑल, ऐसे ही आपको बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे कि है पार्शियल, देयर एग्जिस्ट, एम्प्टी सेट्स, नेबला। अब अगर हम एक एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर देखिए, आपको बॉडी के अंदर हमने जितना भी सिंबल एंटिटीज हैं उनको यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हमें सिंबल्स राइट साइड में दिख रहा है, एक आउटपुट स्क्रीन में, यानी कि ब्राउज़र का जो स्क्रीन है उसमें हमें दिख रहा है। तो अगर आप अपने कोड में कुछ इस तरह से लिखते हैं तो आपको आउटपुट के रूप में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल है सिंबल्स का, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, जो कि आपको कुछ इस तरह से लिखने पड़ते हैं। तो अगर इनके एग्जांपल को देखें तो कुछ इस तरह से देखिए आपको लिखना पड़ता है। अब इसके बाद और कुछ एंटिटीज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉपीराइट साइन, रजिस्टर्ड साइन, यूरो साइन, ट्रेडमार्क साइन एक्सेट्रा। और अगर इनके एग्जाम्पल को देखें तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब अगर कैरेक्टर एंटिटीज़ की बात करें तो HTML में हमें बहुत सारे कैरेक्टर एंटिटीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइकॉन, ज्योमेट्रिकल शेप, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। और अगर इसके एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर देखिए, पहला जो कैरेक्टर है वो है स्पेस बार। तो स्पेस के लिए आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है, एम्परसेंट ऑफ NBSP। इसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, एम्परसेंट, डबल कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, सेंट, पाउंड एक्सेट्रा। और अगर इनके एग्जांपल को देखो तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, लिखना पड़ता है हर एक, और उसका जो आउटपुट है वो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में हमने HTML के एंटिटीज के बारे में जाना, सिंबल एंटिटी और कैरेक्टर एंटिटीज के बारे में, और उनको कैसे हम कोड में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।